सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 वेस्ट फ्लैगशिप और ऑन अल्टीमेटेड स्मार्टफोनों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू फोन बाय करने की सोच रहे हो, अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है, तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को जरूर पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फोन हमने काफी रिसर्च करके सेलेक्ट किए हैं। इन फोनों के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिल जाएगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा डिसेंट लेवल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.38 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। फंटोर 13 का एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 6GB रैम का वेस्ट वेरिएंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का विद OIS के साथ, 2MP का डेप्थ LED फ्लैश देखने को मिलेगी। मैन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। सेल्फी कैमरे से भी आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB आपको टाइप सी देखने को मिलेगी, 2.0 विद OTC कनेक्ट। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर। 4500mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करेगी 44W फास्ट चार्जिंग को। 25 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 172 ग्राम का वेट है। 7. फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 18,999 रुपीज के देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord C3 Lite 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी प्रीमियम लुकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फोन के अंदर आप हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, 680 nits की पीक ब्राइटनेस, 87.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। ऑक्सीजन OS 13.1 का एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 8GB रैम का वेस्ट वेरिएंट दिया गया है। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मैन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ LED फ्लैश देखने को मिलेगी मैन कैमरे के अंदर। मैन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिल जाएगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB आपको टाइप सी देखने को मिलेगी, 2.0 विद OTC कनेक्ट। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा फोन के अंदर। 5000mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। 30 मिनट में आप इस फोन को 80% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 4 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोडक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 195 ग्राम का वेट है। 8.3mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 19,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला ओप्पो की तरफ से, ओप्पो A78 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी लुकिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.56 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, 600 nits की पीक ब्राइटनेस, 84.0% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 7 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है। कलर OS 13 का एक्सपेंस देखने को मिलेगा। 128GB प्लस 4GB रैम का वेस्ट वेरिएंट दिया गया है।
मैन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। मैन कैमरे से आप 1080p बाय 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरे से भी आप 1080p बाय 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। यूएसबी आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.2 विद ओटीसी कनेक्ट। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करेगी 33 वाट फास्ट चार्जिंग को। 30 मिनट में आप इस फोन को 52% ईजिली चार्ज कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 188 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन के प्राइस आपको 18,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट फोन के बारे में जो कि रहने वाला सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी प्रीमियम लुकिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। काफी अच्छा तगड़ा पावर चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.6 इंच की PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, 82.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। वन यूआई 5 का एक्सपेंस देखने को मिलेगा। 64GB प्लस 4GB रैम का बेस्ट वेरिएंट दिया गया है। मैन कैमरा आपको कैड सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद ओएस के साथ, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी। मैन कैमरे से आप 1080p बाय 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। यूएसबी आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 25 वाट फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 3 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन दिया गया है। 197 ग्राम का वेट है। 8.4mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 19,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और इन फोन में से जो भी फोन आपको ज्यादा बेस्ट लगा हो उस फोन को आप अपनी नीड एंड प्रायोरिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा